मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे जैसे रमजान का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुमरा शहर में ट्रैफिक जाम भी बढ़ रही है। रिक्शे वाले भी कहीं भी बीच सड़क पर रोककर पैसेंजर को बिठाते हैं और उतारते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम का कारण इनकी वजह से भी होता है। ये तस्वीरें आज शाम करीब 5 बजे के आसपास की हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हालांकि मुमरा बाईपास बंद हो गया है, वहां से बड़ी गाड़ियां जाती थी, मगर अब मुमरा शहर से होकर ये बड़े बड़े डंपर धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। मगर दिन रात ऑटो रिक्शा और बाइक सवारों पर कार्रवाई करने वाली मुमरा ट्रैफिक विभाग को शायद ये बड़े बड़े डंपर नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं इन डंपरों पर मुमरा ट्रैफिक विभाग कार्रवाई करती है? और बड़ी गाड़ियों की वजह से ही और भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। ट्रैफिक विभाग को कम से कम बड़ी गाड़ियों पर रोक लगाना चाहिए। अगर बड़ी गाड़ियों पर रोक नहीं लगी तो स्थिति और भी भयानक ट्रैफिक जाम की हो सकती है। दारुल फलाह मस्जिद के पास और इसी तरह से तनवर नगर नाके पर और आगे शिमला पार्क तक भयानक ट्रैफिक जाम आज लगा रहा। लोगों को शाम के वक्त इफ्तार की खरीदी करने के लिए निकलते हैं और वहीं दूसरी तरफ मुमरा के रहने वाले लोग जो जॉब पर जाते हैं वो इफ्तार के वक्त अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसे में बड़े बड़े डंपर टेम्पो की वजह से ट्रैफिक जाम लग रही है और अब तो और भी भीड़ होगी आने वाले दिनों में। और ट्रैफिक भी जाम ऐसे ही होती रही तो ऐसा लग रहा है कि रास्ते में ही लोगों को रोज़ा खोलना पड़ सकता है।